जर्सी में चेंजिंग किया गया है। खिलाड़ी तैयार गोल बांधने में, गोल रखने में, यहाँ पर तैयार से अब देखा जाए दर्शकों की निगाह है। बहुत ही बढ़िया तरीके से नेट पे डाला है ये बॉल, शॉट में दम रखते हैं। अगर फिर परवीन एफसी की ओर से तीन नंबर जर्सी विजय सरदार बंद आए हैं और गोल रोकने में गोलकीपर गोल। तो चलिए दोनों तरफ से एक एक गोल एफसी का और दूसरा गोल हसागोरा से हिसाबरत टीम के खिलाड़ी गोल मारने के लिए आए हैं। दूसरे गोल की पीछे सोनू सरदार तैयार गोल रोकने के लिए, हिसाबरत की गोल को रोकने के लिए तैयार है सोनू सरदार। तो थोड़ा सा लंबी सांस लेते हुए बॉल पर मारा है, पूरी तरह से गोल में तब्दील कर दी। अब छह नंबर जर्सी राहुल सरदार अब चाहे कहीं भी हो जितना जल्दी से ये कमेटी के पास सामने आने का कष्ट करेंगे राहुल सरदार। तो छह नंबर जर्सी प्रवीण ने एफसी की ओर से बहुत ही बढ़िया शॉट, महसर हेमरम। अब नेक्स्ट खिलाड़ी आ रहे हैं गोल मारने के लिए हिसागोर की ओर से बाबू। तो दूसरी से तैयार गोलकीपर परवीन एफसी के गोलकीपर आप दोनों कहीं कहीं भी हो जितना जल्दी से कमी से मिल ले। सात नंबर जर्सी जो सोच कर आए हैं वो है कार्तिक परवीन एफसी के, ऊपर गोल रोकने में परवीन एफसी का गोल रोकने में खड़े हुए गोलकीपिंग में भोले गोलकीपर हिसागोर के बहुत नहीं पाया, जैसे नहीं कर पाए वहां पर गोल। तब हमारे खेल संचालक थोड़ा एक दूसरे से डिसाइड करते हुए अब ये टॉस द्वारा फैसला किया जा रहा है। अब देखा जाए से कौन किसके पक्ष में किसके थ्रोली में मैच जाता है। बहुत ही लाजवाब काबिले तारीफ जो सोच बनी हुई थी वो सोच पर कायम रहे खेल के दौरान या टॉस के दौरान और विजय प्राप्त किए विनर रहे